बड़ी खबर। इस बीच दिल्ली में यूपी भवन की सुरक्षा बढ़ाई गई है। दरअसल ये कहा जा रहा है कि जामिया के छात्र आज विरोध प्रदर्शन वहां पर कर सकते हैं और इसी को लेकर फिलहाल सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है। तो डॉक्टर कफील शर्जिल इमाम के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उससे ये छात्र काफी नाराज है और इसी को लेकर यहाँ सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। तो विरोध को देखते हुए यूपी भवन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर जामिया के छात्रों का विरोध प्रदर्शन और फिलहाल मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि वो लोग मरने आए थे। एक 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 संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। यूपी के अंदर पूरी की पूरी गुंडागर्दी चल रही है, राइट एक्सप्रेशन को दबाया जा रहा है, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए हम आज यूपी भवन के डॉक्टर कफील के ऊपर इंतजार लगा गया है। तारी मंदी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, इस तरीका नहीं चलेगा। तो दिल्ली में यूपी भवन की ये तस्वीरें जहां पर विरोध प्रदर्शन एक छात्रों का, और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अमित दुबे हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अमित, क्या हिरासत में इन छात्रों को अभी लिया गया है? विरोध प्रदर्शन यहां पर ये कर रहे थे। जी बिल्कुल, देखिए यूपी भवन के बाहर पुलिस पहले से ही अलर्ट थी और यूपी भवन के आसपास का 300 मीटर का एरिया जो है वो पुलिस ने बैरिकेड किया था, जिस वजह से प्रदर्शनकारी जो है वो नहीं आ पाए। और 300 मीटर बाहर जो बैरिकेडिंग थी वहां पे कुछ प्रदर्शनकारी दिखाई दिए जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया है और यहां से हिरासत में इस जगह से कहीं दूसरी जगह ले जाया गया है। इन सारे लोगों की मांग थी कि डॉक्टर कफील को लेकर जो गिरफ्तारी हुई है, डॉक्टर कफील जो गिरफ्तार है उन्हें रिहा करने की बात कह रहे हैं कि किस तरह से सरकार जो यूपी सरकार जाती कर रही है उनके साथ, और डॉक्टर और उसके साथ ही शर्जील इमाम जो कि गिरफ्तार है उन्हें लेके भी यहाँ पे विरोध प्रदर्शन देखा गया था। जी बिल्कुल, लेकिन अभी अमित वहां पर क्या स्थिति है? जैसा कि आपने बताया कि पहले से ही जानकारी थी और सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई थी वहां पर, लेकिन उसके बावजूद भी पहुंचे और फिलहाल किसी और जगह पर शिफ्ट इनको किया जा रहा है। अभी क्या स्थिति वहां पर कंट्रोल में है और क्या एक बार फिर से हो सकता है कि प्रदर्शन हो? जी बिल्कुल, देखिए अभी जो प्रदर्शनकारी यहाँ पे आए थे जो गिरफ्तार किए गए वो एक दर्जन के आसपास, यानी 12-14 प्रदर्शनकारी यहाँ पे देखे गए थे, क्योंकि जो भी प्रदर्शनकारी यहाँ आना चाह रहा था पुलिस उसे पहले ही गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी, हिरासत में लेने की कोशिश कर रही थी, जिस वजह से ज्यादा प्रदर्शनकारी यहाँ नहीं पहुंच पाए और जो लगभग एक दर्जन के आसपास प्रदर्शनकारी वहां पहुंचे उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया और यहां से ले जाया गया। हालांकि सिक्योरिटी अभी भी जो है यहां पे पूरी तरह से बनी हुई है, क्योंकि लोगों को उम्मीद है शायद कुछ और प्रदर्शनकारी दोबारा भी यहां पे आ सकते हैं। बिल्कुल, क्या अमित अभी इन छात्रों के जरिए जिस तरह से आप बता रहे हैं 12 से 14 यहाँ पर ये प्रदर्शनकारी यहाँ पर पहुंचे थे, क्या चेतावनी इनके जरिए दी गई है अभी? देखिए क्योंकि इन छात्रों को भी पता था, जो प्रदर्शनकारी थे इन्हें भी पता था कि पुलिस किस तरह से स्ट्रिक्ट है, और यही वजह है कि इन्होंने अपने छोटे छोटे से ग्रुप बनाए, ग्रुप वाइज जो है यहाँ प्रदर्शन देखने को मिला है, और यही वजह थी कि जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि 12-14 प्रदर्शनकारी जो है वो पहली बार देखे गए। इससे पहले जो 5-6 आए थे वो अपने आप ही चले गए, उन्हें हिरासत में नहीं लेना पड़ा, लेकिन ये जो एक दर्जन ज्यादा प्रदर्शनकारी थे इन्हें हिरासत में लिया गया है। पुलिस को अभी उम्मीद है कि शायद कुछ और प्रदर्शनकारी भी आ सकते हैं और इसीलिए पुलिस अभी भी यूपी भवन के बाहर पूरी तरह से अलर्ट पे है। और ये कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन जो शुरू हुआ है शायद इसलिए भी अभी इतना हाइप, क्योंकि कल जिस तरह से यहाँ पर बयान सीएम योगी आदित्यनाथ का CNRC को लेकर भी आया था, शर्जील इमाम ने कई यहाँ पर बयान दिए हैं और ऐसे में जो कार्रवाई उनके खिलाफ की जा रही है सख्त से सख्त उसको लेकर बयान, और ये नाराजगी शायद इन छात्रों की और बढ़ गई अभी। जी बिल्कुल, देखिए कई सारी चीजें हैं, डॉक्टर कफील की जो गिरफ्तार है उनकी रिहाई की मांग, शर्जील इमाम उनकी रिहाई की मांग, योगी आदित्यनाथ यूपी सीएम का जो बयान आया उसे लेके, तो कई सारे मुद्दे हैं जिन सारे मुद्दों के साथ मिला के जो है यहाँ पे प्रदर्शन देखने को मिला, और जिसके लिए बाकायदा प्रदर्शन का टाइम रखा गया था, और उसके बाद जो है दिल्ली पुलिस जो है हाई अलर्ट पे थी। बाकायदा यहाँ पे ना सिर्फ DTC बसें जो कि लोगों को हिरासत में लेने के लिए खड़ी थी, बल्कि वाटर कैनन और जो पैरामिलिट्री फोर्स होती है उसके रैपिड एक्शन फोर्स के भी जवान यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था में लगाए गए थे, और यही वजह थी कि प्रदर्शन जिस तरह से प्रदर्शनकारी से सच्चाई बनाना चाहते थे, पुलिस के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि धारा 144 का दुरुपयोग दिल्ली पुलिस कर रही है, और यही वजह है जो लोकतांत्रिक अधिकार है खासतौर पर प्रदर्शन करने का वो भी नहीं मिल रहा है। एक बार फिर उन लोगों का KYS छात्रों का एक ग्रुप एक बार फिर यहाँ पे आ गया है प्रदर्शन के लिए,
जैसे मैं बता रहा था कि एक दर्जन ज्यादा छात्र थे जिन्हें गिरफ्तार करके भेज दिया गया। दोबारा एक और दूसरी टुकड़ी यहाँ पे यूपी भवन के बाहर आ गई है और पुलिस फिर से एक बार दौड़ पड़ी है इन लोगों को हिरासत में लेने के लिए। अब ये लोग जो है उन्हीं मांगों को लेकर ये लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि एक बार फिर से पुलिस और छात्र जो है वो आमने सामने आते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। वहाँ पर कितनी टीमें तैनात है पुलिस की यहाँ पर अमित? देखिए पुलिस काफी भारी संख्या में यहाँ पुलिस बल तैनात है क्योंकि अभी कुछ लोग हिरासत में गए हैं और उसके बाद फिर ये लगभग 2 दर्जन के आसपास छात्र जो है यहाँ पे आए हैं। अब इन्हें भी पुलिस जो है पुलिस ने यहाँ यूपी भवन के बाहर ही इन्हें रोक रखा है और अब जो है पुलिस बस को मंगवा रही है जिस बस में इन सबको पकड़ा जाएगा, इन्हें हिरासत में लिया जाएगा और बाकायदा इनकी तरफ से नारेबाजी हो रही है कि डॉक्टर कफील से जो चीजें जो ये इल्जाम लगाए गए हैं उन्हें वापस लेने की बात हो रही है और सिविल लिबर्टीज की बात यहाँ पे हो रही है, राइट्स की बात हो रही है, तो उसे लेके यहाँ प्रदर्शन का देखा जा सकता है। जी बिल्कुल अमित, तो ये तस्वीरें हम देख रहे हैं जामिया के छात्रों की जो विरोध यहाँ पर करने आए हैं, विरोध प्रदर्शन यहाँ पर करने आए हैं। और जैसा कि हमारे सहयोगी अमित यहाँ पर जुड़े हुए थे, जानकारी दे थे कि अलग अलग टुकड़ियों में कहीं ना कहीं ये छात्र जो आए हैं, एक जो पहले आए थे 10 से 14 लोग जो आए थे उनको हिरासत में ले लग गया, अब एक कहीं ना कहीं दूसरा जो ग्रुप है वो फिर यूपी भवन की ओर कूच करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि जो पुलिस की टीमें हैं वो यहाँ पर तैयार हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ जो ये छात्र डटे हुए हैं प्रदर्शन करने के लिए, उनको फौरन ही वहां से हटाने की कोशिश यहाँ पर और एक बस के भीतर उनको धकेलती हुई ताकि स्थिति यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा तनाव की न बने। और जैसा कि इन प्रदर्शनकारियों से बातचीत वहां पर मीडिया के जरिए हो रही है, उनका सीधे तौर पर कहना है कि यहाँ पर गुंडागर्दी ज्यादा बढ़ गई है और इसी को लेकर वो अपना इस प्रदर्शन को जारी रखे हुए हैं। तो दिल्ली में यूपी भवन के बाहर की तस्वीरें ये लगातार आपके सामने, जहां छात्रों को हिरासत में लिया गया है पुलिस के जरिए और डॉक्टर कफील और शर्जिल इमाम इन दोनों पर जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर नाराजगी और उसके साथ ही जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया था उस बयान से भी यहां पर ये छात्र काफी नाराज है और इसी के बाद ये विरोध प्रदर्शन यहां पर देखने को मिल रहा है।